नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रांची के 305 पंचायतों के 1311 गांव में 13 दिन में पहुंचेगी अधिकारी, सरकार की 27 योजनाओं को देंगे लाभ। झारखंड सरकार अब लोगों के दरवाजे पर दस्तक देगी। बिरसा की जयंती व राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 28 नवंबर तक रांची जिले में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हर दिन कम से कम 7-8 पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। रांची में 305 पंचायत के अंतर्गत 1311 गांव है। डीसी छवि रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि यह कार्यक्रम एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित भी किया जाएगा। रोजगार के लिए झारखंड सरकार दे रही है 25 लाख का लोन, जानिए किसे मिलेगा फायदा और कैसे करें अप्लाई। रांची स्वरोजगार को बढ़ावा देने के मन से अब ही हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेकर आई है, जिसके लिए पीआरडी झारखंड के ऑफिशियल ट्विट हैंडल से हाल ही में ट्वीट करके जानकारी दी गई। आपको बता दें कि राज्य के हुनरमंद युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को 25 लाख तक का लोन देकर सरकार दे रही है। 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन झारखंड में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे आयोजित, क्या होगा इस पर खास। 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी दिन झारखंड राज्य स्थापना दिवस भी है। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से ही प्रतिवर्ष यह समारोह आयोजित होता आ रहा है। राज्य सरकार इस बार कोविड को लेकर स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित करेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। इसी दिन बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू से आपको अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत होगी। 1 करोड़ का इनामी नक्सली किशन का पत्नी के साथ सरायकेला से गिरफ्तार, वर्षों से थी तलाश। झारखंड के सरायकेला खरसवा की पुलिस ने 1 करोड़ इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा को उनकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चांडिल व कांडरा क्षेत्र के बीच एक घर से दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशांत बोस व उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। छोटे किसानों और जोतदारों को अब आसानी से कभी भी मिलेंगे कृषि यंत्र। कृषि यंत्रों ने खेती बाड़ी की इतना आसान बना दिया है कि आजकल हर एक किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार भी तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। इसके चलते ही झारखंड सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है, ताकि किसान खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीकी से जुड़ जाए। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में ओपीडी में डॉक्टर कल से बैठने लगे। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स और जिला अस्पताल के रूप में सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शुरू होती है। इसके साथ ही सदर अस्पताल और रिम्स में 24 घंटा इमरजेंसी की सेवा उपलब्ध है। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में भी ओपीडी सुबह 9 बजे से खोल दी गई है। इन सारी जगहों पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार मरीजों को देखा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उनका कोविड टेस्ट भी कराया जा रहा है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अस्थायी शिक्षकों को भी वेतनमान देने की हो रही है तैयारी। कई वर्षों से अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलित राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का मामला इस बार सुलझता दिख रहा है। गठबंधन सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिस तरह इस मामले के प्रति सक्रियता दिखाई है, उसे पारा शिक्षकों को यह उम्मीद जगी है कि 29 दिसंबर को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। BAU में होगा कृषि विश्वविद्यालय संघ का 45वां कुलपति सम्मेलन, 70 विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे शामिल। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 20 और 21 दिसंबर को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के 45वां कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। BU के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि
सम्मेलन का मुख्य विषय कृषि विश्वविद्यालय के मानक स्थिरता और सामाजिक प्रभाव में सुधार रखा गया है। इसके अधीन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कृषि शिक्षा और अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और बनाए रखने की रणनीति, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के साथ लाभप्रदत किसानों का प्रौद्योगिकी बाजार ऋण और प्रसार सेवा तक पहुंच को सक्षम बनाना, ताकि कृषि और संबंध क्षेत्रों में उद्यमिता विकास हेतु अनुकूलन परिस्थिति तंत्र बनाना आदि विषयों को शामिल किया गया है। अफ्रीका नहीं, झारखंड के सिंहभूम में सबसे पहले समुद्र से निकली थी धरती, बदलेगा दुनिया का नजारा। दुनिया भर में अपनी अबरक की खान के लिए मशहूर झारखंड का सिंहभूम जिला पूरी दुनिया को समझने का नजरिया बदल सकता है। एक ताजा शोध में उस व्यापक धारणा को चुनौती दी गई है जिसमें जल प्रलय के बाद करीब 2.5 अरब साल पहले विभिन्न महाद्वीपों के समूह से निकलने के बारे में तमाम दावे किए गए थे। ताजा शोध में कहा गया है कि करीब 3.2 अरब साल पहले धरती पहली बार समुद्र से बाहर निकली थी और जो इलाके सबसे पहले निकला था वह झारखंड का सिंहभूम इलाका हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं का यह शोध चर्चित जनरल PNAS में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सिंहभूम के बलुआ पत्थर में प्राचीन नदी चैनल, ज्वार भाटा और तट करीब 3.2 अरब साल पुराने होने के भूगर्भीय संकेत मिले हैं। इससे पता चलता है कि धरती का यही इलाका सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला था। झारखंड को मिला पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पलामू के LCMCH में होगा 100 सीटों का नामांकन। झारखंड के पलामू जिले के विश्रामपुर में स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने 100 सीटों पर नामांकन के लिए लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दे दी है। इस कॉलेज का निर्माण विश्रामपुर विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के द्वारा कराया गया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि उनका सपना था कि उनकी मां के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज हो, यह सपना आखिरकार पूरा हो गया। इस मेडिकल कॉलेज के नामांकन नीट की परीक्षा के जरिए होगा, 100 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से कार धारकों को कब से मिलेगा फ्री दाल तेल और नमक, योगी सरकार का आदेश जारी। अगले 4 महीने के लिए गरीबों को प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महंगाई की मार झेल रहे गरीबों को दिसंबर से मुक्त दाल के साथ ही नमक और खाद्य तेल उपलब्ध कराकर सरकार उन्हें राहत देगी। इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जिले के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आगामी दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक हर महीने दाल, खाद्य तेल व नमक का वितरण कोटे की दुकानों पर होने वाले राशन वितरण के साथ किया जाएगा। वैक्सीन नहीं लगवाई तो डीजल पेट्रोल नहीं, ग्वालियर में मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट। कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कवायद की जा रही है। ऐसी ही कवायद मध्य प्रदेश के ग्वालियर केस में सामने आई है। यहां पर जिला प्रशासन ने तय किया है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर ग्वालियर के DM ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे पर कांग्रेस BJP के बीच घमासान जारी, कमलनाथ को CM शिवराज ने यूं दिया जवाब। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे से हर कोई हैरान है। कांग्रेस की ऐसी हार और BJP की ऐसी जीत का अनुमान किसी को नहीं था। रेंगांव में आभार सभा के दौरान PCC चीफ कमलनाथ ने ऐसा ही बयान देकर BJP को बोलने का मौका दे दिया। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और चौहान ने कहा कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार और हार से कमलनाथ बौखला गए हैं। सिंगरौली में कलेक्टर का आदेश, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR। सिंगरौली जिले में अब लोग वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने से बच नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य कार्रवाई के साथ साथ FIR भी होगी। जिला कलेक्टर रवि रंजन मीना ने इसके लिए सख्त आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों डोज नहीं लगवाए गए तो सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन को लेकर दिल्ली सरकार ने NBCC पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली NBCC लिमिटेड पर धूल नियंत्रण मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए 5 लाख का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा, मैंने NBCC निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जहां धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। दिल्ली सरकार ने अपने एंटी डस्ट कैंपेन के दूसरे चरण की शुरुआत की है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले 7 वर्षों में डिजिटल लेन देन 19 गुना बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के उपयोग को लेकर कहा, सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। कानपुर कन्नौज के बाद लखनऊ में मिले जीका वायरस के 2 केस, राज्य में मामले बढ़कर 111 हुए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लखनऊ में जीका वायरस के 2 केस सामने आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 111 हो गई है। इसमें से 108 मामले कानपुर में जबकि 1 केस कन्नौज में रिपोर्ट हुआ है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन के अनुसार सरकार के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सीय प्रबंध किए हैं। पुजारी ने काले जादू के लिए महिला को नग्न अवस्था में बिठाया, कर्नाटक में हुआ अरेस्ट। रामनगर में खजाने की तलाश में मंगलवार रात काला जादू करते पकड़े गए एक पुजारी, उसके सहयोगी और 4 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बकौल रिपोर्ट्स, पुजारी ने खजाना ढूंढने के लिए जरूरी बताकर एक महिला को नग्न होकर एक कमरे में अपने सामने बैठने को विवश किया था और कहा कि पूजा के बाद खजाना दिखेगा। कंगना से पद्मश्री वापस ले केंद्र, उनकी गिरफ्तारी हो, आजादी को लेकर बयान पर नवाब मलिक। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के 1947 में मिली आजादी को लेकर, यह आजादी नहीं भीख थी, आजादी 2014 में मिली बयान पर रनौत के खिलाफ केस दर्ज, उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मलिक ने कहा कि रनौत ने लाखों स्वतंत्र सेनानियों का अपमान किया और केंद्र को उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना चाहिए। पटरी से उतरे कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के 5 डिब्बे, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बताया कि शुक्रवार सुबह 3:30 बजे कन्नूर से बेंगलुरु जा रही कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे 5 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हालांकि ट्रेन में सवार सभी 2338 यात्री सुरक्षित रहे। SWUR के मुताबिक यह हादसा बेंगलुरु मंडल के टोपपुरु सीयुदी के बीच में हुआ, जब अचानक के कुछ पत्थर पटरी पर आकर गिर गए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।